टॉप 3 5G स्मार्टफोन अंडर 15,000 रुपीज़। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ढूंढ रहे थे एक ऐसा स्मार्टफोन जो आपको 15,000 के अंदर 5G कनेक्टिविटी के साथ ही साथ आपको एक तगड़ा लेवल का प्रोसेसर एंड स्पेक्स भी प्रोवाइड कराता है एंड आपको बेटर परफॉर्मेंस भी देखने को मिलेगा, ऐसा स्मार्टफोन अगर ढूंढ रहे थे तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैंने उन्हीं 3 स्मार्टफोन के बारे में डिटेल्स में बात किया है जो आपको ये सब कुछ मिला के देता है, वो भी गाइस 15,000 के अंदर। तो चलिए जान लेते हैं वो 3 स्मार्टफोन कौन सा है। सो गाइस, इस लिस्ट में पहले नंबर पे आता है वीवो के तरफ से वीवो T2X 5G। ऑब्वियसली ये 5G कनेक्टिविटी के साथ ही आते हैं एंड ये काफ़ी एक गुड लुकिंग फ़ोन है जिसमें आपको पीछे के तरफ से एक प्लास्टिक बैग डिज़ाइन देखने को मिल जाते हैं, लेकिन ये आपको तगड़ा लेवल का परफॉर्मेंस निकल के देगा क्योंकि इसमें आपको मीडियाटेक का डायमेंसिटी 6020X 7nm बेस्ड प्रोसेसर देखने को मिल जाते हैं जिससे आप गेमिंग वगैरह आसानी से कर सकते हो एंड डेली यूज में भी ये स्मूथ परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल जाता है। एंड बात किया जाए कैमरे के बारे में तो ये भी आपको बहुत अच्छा देता है जिससे आपको रियर में 50+2 megapixels का एक डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है जिससे आप 1080p में 30fps में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। एंड इसमें आपको फ्रंट में 8 megapixels का एक कैमरा सेंसर देखने को मिल जाता है। एंड बात किया जाए डिस्प्ले का तो 6.58 inches का एक फुल HD+ IPS LCD पैनल देता है वीवो T2X 5G में। एंड इसमें आपको 5000mAh का एक बड़ा बैटरी देखने को मिल जाता है जिसको आप 18W चार्जर से चार्ज कर सकते हो। एंड ये तगड़ा लेवल का स्पेक्स एंड कैमरा सभी कुछ मिला के इसका प्राइस बनता है 14,770 rupees, जो एक वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है जिसके साथ आप जा सकते हो। लेकिन दूसरा वाला फ़ोन सबसे बढ़िया है, वो है Redmi के तरफ से Redmi 12 5G एंड ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है जो आप जरूर से खरीद सकते हो क्योंकि इसका लुक आपको काफ़ी प्रीमियम देता है जिसमें आपको बैक में एक ग्लास बॉडी देखने को मिल जाते हैं एंड साथ ही साथ इसका प्रोसेसर भी तगड़े लेवल का है जो क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 4Gen 2 एक 4nm बेस्ड प्रोसेसर देता है जिससे आप बहुत तगड़े लेवल का गेम एंड परफॉर्मेंस देखने को मिल जाते हैं इस डिवाइस में। एंड बात किया जाए रियर कैमरा को तो यहाँ पर आपको 50+2 megapixels का एक रियर कैमरा डुअल सेटअप देखने को मिल जाते हैं जिससे आप 1080p 30fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। एंड फ्रंट में आपको 8 megapixels का कैमरा सेंसर देखने को मिल जाते हैं, लेकिन खुशी के बाद यहाँ पर भी आप 1080p 30fps में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। बात किया जाए डिस्प्ले तो यहाँ पर 6.79 इंच का एक फुल HD+ डिस्प्ले देखने को मिल जाता है आपको 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ जो आपको स्मूथनेस फील कराएगा। एंड 5000mAh का एक बड़ा बैटरी प्रोवाइड कराते हैं इस फोन में जिससे आप 18W चार्जर से चार्ज कर सकते हो। एंड इसका प्राइस सबसे एग्रेसिव है, इसका लुक वाइज इसका प्राइस है जस्ट एंड जस्ट 13,000 rupees, जो एक काफ़ी वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन हो जाते हैं 5G स्मार्टफोन अंडर 15,000 के अंदर। एंड इस लिस्ट का जो सबसे आखिरी एंड सबसे पसंदीदा मेरा फ़ोन है वो है सैमसंग के तरफ से सैमसंग गैलेक्सी A15 5G, जो 5G कनेक्टिविटी तो देता है लेकिन इसमें आपको बहुत अच्छे तरह का से आप गेमिंग वगैरह कर सकते हो क्योंकि इसमें मीडियाटेक का डायमेंसिटी 6100 प्लस एक 610mm बेस्ड प्रोसेसर प्रोवाइड कराते हैं सैमसंग वालों ने जिससे आपको स्मूथनेस बहुत तगड़ा लेवल का मिल जाता है। एंड कैमरे के बात किया जाए तो वो ये बहुत अच्छा कैमरा देता है, 50+5+2 megapixels का ट्रिपल कैमरा सेटअप आपको देखने को मिल जाता है जो एक काफ़ी कमाल का बात होता है। एंड यहाँ पर आपको 1080p 30fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो रियर कैमरे से। एंड फ्रंट कैमरा भी पीछे नहीं है जहाँ पर आपको 13 megapixels का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है जिससे आप 1080p में 30fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो जो काफ़ी कमाल का बात। सबसे हाईलाइटेड फीचर्स है इसका डिस्प्ले जहाँ पर आपको 6.6 इंचेस का एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है जिससे आप कंटेंट वगैरह बहुत शानदार तरीके से वॉच कर सकते हैं। सैमसंग का डिस्प्ले का तो कोई बात ही नहीं। एंड यहाँ पर आपको 90Hz का एक रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाता है, हाँ 120Hz अगर देता था तो और भी अच्छा होता था, लेकिन गाइस इसमें आपको 6000mAh का एक बैटरी सेटअप देखने को मिल जाता है एंड साथ ही साथ एमोलेड डिस्प्ले, तो यार आप बैटरी बैकअप अंदाजा लगा ही सकते हो। एंड इसको चार्ज करने के लिए 15W का चार्जर देता है। एंड सबसे बढ़िया बात इसके एग्रेसिव प्राइस जो आपको मिल जाता है 14,000
₹499। तो ये था 3 स्मार्टफोन 5G कनेक्टिविटी के साथ तगड़ा लेवल का स्पेक्स, जो आप कोई भी खरीद सकते हो। आपके पसंदीदा और क्वेश्चंस है तो मेरे को कमेंट में बताना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाबा।